Hey yo, what's up guys? Peripona, Pailagu, कैसे हो आप सभी लोग? I hope so, आप सभी ठीक होंगे यार। और ये वीडियो काफी ज्यादा क्रेजी होने वाली है, लाइक मेरी सबसे बेस्ट वीडियो मेरे को लग रहा है मेरी यही होने वाली है, ठीक है? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इजिली रिएक्शन कर सकते हो, लाइक किसी गाने पे या किसी मतलब मूवी के ट्रेलर पे या कुछ भी हो सकता है यार, मतलब रिएक्शन तो आप किसी पे भी कर सकते हो ना ओवरऑल, तो वही सीन है, ठीक है? तो इस वीडियो पे पूरा बताऊंगा भाई, स्टेप टू स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा पूरा ए टू जेड, क्योंकि काफी लोग यार मिस आउट कर देते हैं। मैंने देखे हैं मतलब ऑलरेडी यूट्यूब पे बना रखे हैं किसी ने, बट उन्होंने पूरा नहीं बताया भाई, मतलब कहीं दिक्कतें आती हैं भाई, कहीं दिक्कतें आती हैं, मेरे को खुद फेस की है मैंने कहीं सारी दिक्कतें, तो वही मैंने मतलब जो भी मैंने दिक्कतें फेस की हैं वो आपको नहीं करने दूंगा भाई बिल्कुल भी, ठीक है? और अगर आप विंडो यूजर हो तो थोड़ा मतलब, क्योंकि मैं मैक में करने वाला हूँ बट ओवरऑल यार मैं ओबीएस में ही तो जाने वाला हूँ, ठीक है? तो मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है, ए टू जेड। तो व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम रण सिंह नेगी, यू गाइज आर वॉचिंग टेक पार्टी चैनल। तो पूरी वीडियो देखना यार, ठीक है? आपको अच्छी लगेगी वीडियो और आई होप सो आपको यार अच्छी लगे, एंड अगर अच्छी लगती है तो आपको पता है यार क्या करना है उसके बाद, ठीक है? सब्सक्राइब एंड ऑल, ठीक है? सो पसंद आती है तो लाइक कर देना वीडियो को, नहीं आती तो इट्स ओके यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना पसंद आएगी तो आ जाओ भाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अभी मेरा, अभी तो नहीं दिख रहा होगा आपको, जैसे मैं यहाँ पे स्पेस दबाता हूँ क्योंकि मैंने स्पेस असाइन कर रखा है, ठीक है, मेरा डिस्प्ले कैप्चर को, जो भी मैं ओबीएस में हूँ आप देख सकते हो अभी। तो यहाँ पे सीन ये है कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना है भाई, ठीक है? जैसे आपको कोई किसी पे रिएक्शन देना है तो आपने देखा होगा, जैसे मेरी ये स्क्रीन दिख रही है, तो जैसे ये वाली स्क्रीन है और ये यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है? तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो स्क्रीन चलती है रिएक्शन वीडियोज पे, यहाँ पे तो बंदे बोलते हैं और यहाँ पे जो साउंड चलता है, तो वो साउंड भाई आपके कानों में भी आना चाहिए एंड सामने वाले को सुनाई भी देना चाहिए, तो वो चीजें होती हैं, ठीक है? तो उसके लिए देखो क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको एक यहाँ से प्लस आइकन ऐड करना है, पहले तो सीन क्रिएट करना है जो कि आप करी दो यहाँ से प्लस करके, एंड सीन क्रिएट करना अगर आपका नहीं है तो, ठीक है? और ये सॉफ्टवेयर ओबीएस है तो सबकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वही है सीन, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे आप ऐड करोगे, यहाँ पे आपको ऑडियो इनपुट कैप्चर करना है, ठीक है? ऑडियो इनपुट कैप्चर मतलब जो आपका इनपुट कैप्चर होगा, ठीक है? तो उसको आप कैसे करोगे भाई, माइक या आप पे कोई इंटरफेस है ऑडियो इंटरफेस, तो उसके थ्रू आपने माइक कनेक्ट कर रखा है, तो एट द एंड आप माइक पे पहुंच रहे हो, तो मतलब आप जिस चीज से बोल रहे हो उस चीज को यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो ऑडियो इनपुट कैप्चर पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, वैसे मेरा ऑलरेडी होगा नहीं, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा ये माइक है, ठीक है? और यहाँ पे आप डिवाइस पे देख सकते हो, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ यार, आपको दिख नहीं रहा होगा आई थिंक, सो आई होप सो आप थोड़ा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्लियर? सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा माइक, ठीक है? और काफी छोटा दिख रहा होगा यार मेरे को लग रहा है, तो आपको देख लो यार थोड़ा, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे आपको माइक दिख रहा है जो, और यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे डिवाइस दिख रहा होगा एक्सटर्नल माइक्रोफोन, ठीक है? तो एक्सटर्नल माइक्रोफोन आपको अभी दिख रहा है, बट जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे डिवाइसेस पे आता हूँ तो काफी सारे ऑप्शन आते हैं यार। अब आप जैसे ऑडियो इंटरफेस से कनेक्ट हो तो उस ऑडियो इंटरफेस को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना आप इजली, ठीक है? और जैसे मैकबुक ईयर है मेरा, तो फिर वहाँ पे माइक्रोफोन जो मैकबुक ईयर का इनबिल्ट रह रहा है तो मैं उससे कर सकता हूँ, बट उससे करना नहीं है मेरे को, इसको कर दूंगा कैंसिल। और जो भी मेरा माइक है वो एक्सटर्नल फोन, मतलब मेरा जो बोया का माइक लगा हुआ है लैपटॉप में, वो मैंने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है? तो वही वाला माइक है, ठीक है? तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है आपका ऑडियो आउटपुट कैप्चर। ऑडियो आउटपुट कैप्चर मतलब जो आपकी डिस्प्ले की वॉइस है, समझ रहे हो? जब आप रिएक्शन किसी वीडियो पे कर रहे हो तो उस वीडियो से भी तो कोई भाई रिस्पॉन्स निकल रहा होगा, तो वही वाली ऑडियो कैप्चर। अब ये इतना नॉर्मल नहीं है ये चीज, ठीक है? इसमें ही भाई सबसे ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको। ऑडियो इनपुट कैप्चर पे जैसे आप यहाँ पे प्लस आइकन ऐड करोगे तो ऑडियो आउटपुट कैप्चर आ जाएगा, ठीक है? आउटपुट सॉरी इनपुट नहीं, तो आउटपुट वाला आपको ऐड कर लेना, ठीक है? जैसे आप आउटपुट पे यहाँ पे क्लिक करोगे, वहां से ओके करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? अब ऑडियो आउटपुट पे आप डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे डिवाइसेस मेरे आ रहे हैं 2-3, ठीक है? अब ये ब्लैक होल क्या है भाई, अब लोग बोलेंगे ब्लैक होल क्या है, मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो यार, ठीक है, सब बताऊंगा। ब्लैक होल वर्चुअल ऑडियो ड्राइवर मैक ओएस चैनल्स, ठीक है? तो ये एक वर्चुअल ऑडियो ड्राइवर है, समझ रहे हो क्या वर्चुअल ऑडियो ड्राइवर, मतलब लूप बैक ड्राइवर है। ये करता क्या है, जो आपकी जो डिस्प्ले से वॉइस निकल रही है, मतलब जो आपके यूट्यूब से वॉइस निकल रही है, जो आपके डिस्प्ले पे कैप्चर हो रहा है, उसको भाई हेडफोन पे भी सुनाएगा मेरे एंड आप लोगों को भी सुनाएगा उस चीज को, ठीक है? तो समझ रहे हो मतलब क्या हो रहा है। तो ये दोनों तरफ ये वाला काम करता है, तो तभी ये वर्चुअल है, क्योंकि मतलब ये दोनों तरफ का काम करता है भाई, और इसको आपको डाउनलोड करना बहुत जरूरी है भाई, इसके बिना काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है? आपका नहीं होगा बिल्कुल भी इसके बिना। तो सिंपली मैं वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, ऐसा कुछ सिंबल है इसका आप देख सकते हो, मैं आपको पूरा नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और मैक ओएस में है ये, विंडोज में नहीं है शायद अभी, बट विंडोज में कोई शायद अलग जो ऑडियो ड्राइवर होगा उसको आप डाउनलोड कर लेना, वर्चुअल कैमरा, वैसे तो शायद करना नहीं पड़ता विंडोज में, बट इसको कर लेना आप, ठीक है? अब जैसे ये होता है ब्लैक होल जो भी हमारा है, इसको आपको करना क्या है, आई कांट अफोर्ड टू डोनेट, ठीक है भाई? यहाँ पे डोनेट $10 आप देख सकते हो, जो भी इसका डेवलपर होगा भाई, काफी क्रेजी काम किया भाई उस बंदे ने, ठीक है? तो नहीं दे सकते यार क्योंकि गरीबी है भाई, बट जो अफोर्ड कर सकते हैं भाई वो दे देना इस बंदे को रुपए, ठीक है? बट हम नहीं देंगे भाई, आई कैन नॉट अफोर्ड टू डोनेट। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा,
यहाँ पे मेरे ईमेल के लिए ऑप्शन बता रहा है कि ईमेल डालो, फर्स्ट नेम डालो, लास्ट नेम डालो, ठीक है। तो मैं ईमेल यहाँ पे डाल दूंगा अपना, कौन सा डालूँ, ये वाला डाल देता हूँ, जैसे एंड नाम कुछ भी डाल दो आप, एंड यहाँ पे भी कुछ डाल दो, ठीक है। जैसे ही आपका ये होता है, सेंड लिंक टू डाउनलोड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो आप यहाँ पे एक गोल गोल घुमाए, ठीक है, दूसरे पेज पे आया मैं, एंड अब यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन ये आ रहा है, चेक योर मेल, अपना मेल चेक कीजिए, हमने वहाँ पे भेजा है एंड ऑल जो भी चीजें हैं, ठीक है। मेरा ऑलरेडी वैसे डाउनलोडेड है, बट मैं आपको बता रहा हूँ मतलब कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है आपको, ठीक है। तो सिंपली जैसे मैंने यहाँ पे किया, अब भाई जी मेल में दिखा रहा हूँ आपको, देख लो, ठीक है, कोई प्राइवेसी का इशू नहीं हो सकता वैसे तो, बट इट्स ओके, लेट्स गो। मेरे गले को क्या हो गया, तो यहाँ पे मैं आ गया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे पे लिंक आ गई है, ठीक है। ब्लैक होल का आपका ऐसे कुछ लिंक आ जाएगा, जैसे आप पे ऐसा कुछ मेल आता है, यहाँ पे एक लिंक बनी होगी, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, एंड जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ये दूसरे पेज पे ले आता है। अब दूसरे पेज पे क्या है, यहाँ पे ब्लैक होल राउट ऑडियो बिटवीन एप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डोनेट वगैरह करना है तो आप कर सकते हो, बट यहाँ पे नहीं जाना आपको। यहाँ पे देखो आपको तीन चैनल मिलेंगे, ब्लैक होल 2 चैनल वाला, ब्लैक होल 16 चैनल वाला, ब्लैक होल 64 चैनल वाला, एंड इंस्टॉल कैसे करना है वो यहाँ पे बता रखा है, तो आप इजिली कर लेना। अब आप इसमें से कोई सा भी चैनल डाउनलोड कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा 2 चैनल वाला डाउनलोड करना, ठीक है, ब्लैक होल 2 चैनल वाला। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, देखो ये मेरा डाउनलोड होने लग गया, ये देखो ये डाउनलोड हो गया, 97.4 KB का है भाई, 97.4 KB का है, समझ रहे हो, मतलब 100 KB का भी नहीं है। तो इजिली आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ से इंस्टॉल वगैरह कर लेना, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं फिर से यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया अपने, इसका काम हो गया, इसको अभी रहने देना है। अब आपको जाना है सेटिंग पे, तो जैसे आप सेटिंग पे, सॉरी, आपको मीडी यहाँ पे मतलब जो भी मीडी डालना है, MIDI यहाँ पे सर्च करना है, अपने जो भी यहाँ पे एप्स पे जाते हो ऐप गैलरी पे, तो MIDI यहाँ पे क्लिक करना है, ऑडियो मीडी सेटअप करके आएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो यहाँ पे यूटिलिटीज के अंदर होगा, अदर्स के अंदर होगा, या तो आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर आप मैक यूजर हो, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक होल 2 चैनल वाला आ गया मेरा, एंड 16 चैनल वाला भी मैंने डाउनलोड किया है बाय द वे, बट मेरा 2 चैनल वाला आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसा कुछ यहाँ पे ऑप्शन है, ज्यादा ऑप्शन नहीं है, थोड़े बहुत हैं, बट बहुत काम के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट दिख रहा होगा आपको, आउटपुट दिख रहा होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे 48,000 हर्ट्ज लिखा हुआ है, जो कि आपका बाय डिफॉल्ट 44 होगा, बट मैंने 48 कर रखा है अभी, ठीक है। तो जैसे ही आप 48 करते हो तो इनपुट आउटपुट में दोनों में वही हो जाता है, ठीक है, तो दोनों जगह वही होता है। और यहाँ पे जो प्राइमरी है, यहाँ पे आपका मास्टर आ रहा हुआ है, तो प्राइमरी आ रहा हुआ, कुछ भी आ रहा हुआ नाम, ठीक है, उसको 1 पे रखिए आप इजली। अगर आप 16 वाले चैनल पे हो तो आपको कम करना पड़ेगा भाई, बट अगर आप ब्लैक होल 2 चैनल पे हो तो यहाँ पे इसको बढ़ा के रखना, और 16 चैनल वाला जरूरत भी नहीं है यार, ठीक है, डाउनलोड करने की। इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस आइकन पे क्लिक करना है, क्रिएट मल्टी आउटपुट डिवाइस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्रिएट मल्टीपल आउटपुट डिवाइस क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि आपके जो YouTube से साउंड आ रहा है, जो आपके डिस्प्ले से साउंड आ रहा है, वो भी कैप्चर हो रहा है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो, एक ब्लैक होल 2 चैनल को आपको सिलेक्ट करना है, एंड एक अपने हेडफोन को सिलेक्ट करना है, जो कि मेरा ये वाला है बास TEQ 856, ठीक है, जो भी नाम है यार इसका। तो जैसे ही मैं इस दोनों को चेक करता हूँ, इन दोनों को मैंने चेक कर चुका हूँ, 48 kHz यहाँ पे आपका होगा, जो आपको मतलब रहने देना है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट होगा। तो जैसे मैंने ये कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टी आउटपुट डिवाइस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा हुआ। इसके बाद कोई काम नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं यहाँ पे और सेलेक्ट करना आपको, बस यही चेक करना है जो भी आपका हेडफोन होगा, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लो, या तो आपका कोई, आप किसी स्पीकर पे सुन रहे हो तो वहाँ पे स्पीकर सेलेक्ट कर सकते हो, बट अभी फिलहाल के लिए मैं इसको काट देता हूँ। जैसे ही मैं इसको काटता हूँ, अब मैं फिर से आ गया अपने OBS पे। कितना काम हो चुका है हमारा हो चुका है इनपुट माइक वाला ऑप्शन हो चुका है, आउटपुट वाला हो चुका है, ठीक है, माइक वाला, एंड जो हमारा macOS स्क्रीन है वो मैं आप बताऊंगा। तो ये है हमारा थर्ड स्टेप, ठीक है। तो तीसरे स्टेप पे आपको क्या करना है, हाँ एक और चीज़ बता देता हूँ, ऑडियो आउटपुट पे उसके बाद आपको ब्लैक होल यहाँ पे 2 चैनल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो सेलेक्ट कर लेना, जैसे आपने वहाँ मैंने बता दिया था ना ब्लैक होल 2 चैनल आपको कैसे करना है पूरा, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है 2 चैनल वाला। तो इजीली आपको डबल क्लिक करना है इस पे, एंड यहाँ पे काफ़ी सारे तो नहीं आएंगे, ब्लैक होल 2 चैनल ही आएगा, उसको सेलेक्ट करके आपको ओके कर देना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे दो चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं, ऑडियो इनपुट, ऑडियो आउटपुट, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं macOS स्क्रीन पे। तो macOS स्क्रीन कैप्चर क्या है मेरा, जो भी मेरा यहाँ पे स्क्रीन में कैप्चर हो रहा है, जो भी आपको यहाँ पे बगल में डिस्प्ले दिख रही है मेरे बगल में, ठीक है। सो आपको इसको कैसे लाना है, सिंपली प्लस आइकन पे ऐड क्लिक करना है, macOS स्क्रीन कैप्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, जैसे मेरा यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग आ रहा है। ऐड एग्जिस्टिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीन कैप्चर कर रहा हूँ अपना, ठीक है, बट आपके इसमें क्रिएट न्यू करके ऑप्शन आएगा, एंड यहाँ पे जैसे आप ओके करोगे, ओके करने के बाद आपके कैसे ऑप्शन आएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
लेता हूँ, क्योंकि मैं आप अभी दूसरे स्क्रीन ऐड नहीं करना चाहता है क्योंकि मेरा ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है। सो कुछ ऐसे ऑप्शन आएंगे आपके उसके अंदर, डिस्प्ले कैप्चर, विंडो कैप्चर, एप्लीकेशन कैप्चर, ठीक है, तीन चीज़ें आएंगी। अब डिस्प्ले कैप्चर क्या है, डिस्प्ले कैप्चर मतलब होल चीज़ें कैप्चर, मतलब जैसे आप क्रोम पे जाते हो वहाँ पे कैप्चर हो जाओगे, सफारी पे करोगे मतलब वो सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग होगी आपकी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें दिखाएगा। अब विंडो कैप्चर में क्या है, विंडो कैप्चर में ये है जैसे आप क्रोम में कोई यूट्यूब बस आप कैप्चर करना चाहते हो, यूट्यूब का जो भी डिस्प्ले है उसको कैप्चर करना चाहते हो तो बस वही कैप्चर होगा, ठीक है, या तो कोई न्यू टैब पे कुछ आप कुछ कर रहे हो, याहू पे कुछ कर रहे हो, गूगल पे कुछ कर रहे हो, कुछ भी यार मतलब, ठीक है, तो वही कैप्चर कराएगा। एप्लीकेशन कैप्चर में क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन कैप्चर में ये है जैसे आप क्रोम में कुछ भी कर रहे हो, मतलब किसी भी टैब में जा रहे हो तो वही करेगा। तो विंडो कैप्चर में और एप्लीकेशन कैप्चर में ये फर्क है कि विंडो कैप्चर में किसी पर्टिकुलर एक टैब को कैप्चर करेगा वो, बट एप्लीकेशन कैप्चर मतलब होल एप्लीकेशन को, मतलब होल क्रोम ब्राउजर को कैप्चर करेगा। तो इसको मैं फिलहाल के लिए कैंसिल कर देता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आप डिस्प्ले कैप्चर यूज कर रहे होते हो, बट काफी टाइम लोग विंडो कैप्चर भी यूज करते हैं, तो डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए कैंसिल। एंड उसके बाद लास्ट ऑप्शन बचता है विंडो कैप्चर डिवाइस, जो कि चौथा, ठीक है, चौथा हमारा मेथड है। तो यहाँ पे कई लोगों के सवाल होते हैं कि मैक ओएस स्क्रीन में कोई ऑडियो ऑडियो का दिक्कत तो नहीं आती, नहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, इसको कैंसिल कर दो, बस इतना ही काम था इसका, ठीक है। वीडियो कैप्चर में अब आपके ऑप्शन आते हैं, जैसे आप प्लस आइकन पे ऐड करते हो यहाँ पे वीडियो कैप्चर डिवाइस आ रहा है जैसे कि मेरा दिख रहा है आपको, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेम आपका जो भी मैक ओएस स्क्रीन कैप्चर पे आया था वैसे यहाँ पे आता है। जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा मेरा एक क्रिएट न्यू हो जाएगा जो कि मैं चाहता नहीं अभी हो मेरा, ठीक है, मैं इसको काट देता हूँ। इस पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी मेरे तीन ऑप्शन आ रहे हैं। अब तीन ऑप्शन क्या है, एक तो फेस टाइम एचडी कैमरा जो मेरा मैक ओएस में लगा हुआ है, एक आयरियन में कैमरा जो कि मेरा थर्ड पार्टी डाउनलोड कर रखी है, मतलब जो एक भाई 4K आपको पता ही यार ये रिकॉर्ड करता है, ठीक है, अगर आप पे नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर लो भाई, बहुत सही वेब कैमरा है, ठीक है। बस इसका दिक्कत ये है यहाँ पे थोड़ा सा एक इसका जो भी आप बोल सकते हो वाटर मार्क आता है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं यार, इतनी बड़ी वाटर इतना बड़ा धब्बा नहीं आता, ठीक है। एक आता है OBS वर्चुअल कैमरा, तो OBS वर्चुअल कैमरा तो मैं डाउनलोड करूंगा नहीं क्योंकि वो मोबाइल में भी डाउनलोड करना पड़ेगा, बट मैंने जब आयरियन कर रखा है तो मैं इसे चल लेता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया है यार, यहाँ पे आप 4K देख सकते हो, आप यहाँ पे आते हैं इसके, ठीक है, जो भी रिकॉर्डिंग के ऑप्शन आते हैं किस मतलब फॉर्मेट में करना चाहते हो आप। कई लोग यार सवाल ये पूछते हैं कि भाई हम 4K में कैसे करें उस चीज़ को, उसमें बस 480p पे रिकॉर्ड होता है, बट ऐसा नहीं है भाई, वो ऑप्शन अब यहाँ आने लग गया, पहले ऐप में आता था वो, बट अब यहाँ आता है, ठीक है। जिसको भी दिक्कत है यहाँ पे आओ भाई। तो उसके बाद इसको भी कैंसिल करता हूँ मैं, यहाँ पे आप अपने हिसाब से वेब कैम सेलेक्ट कर लेना जो भी आप लगा रहे हो, या तो आप लॉजिटेक का नया लगा रहे हो कोई यहाँ पे सिंपल लैपटॉप है तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये हो गई हमारी चारों चीज़ें, समझ रहे हो, चारों चीज़ें हमारी बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं आपको यहाँ नीचे दिखा देता हूँ, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा ये हिल रहा है, दिख रहा है, तो ये देख सकते हो आप ये कैसे कैसे भाग रहा है। अभी मैं शांत रहूँगा देखना बिल्कुल ये बंद हो जाएगा, ये देखो तो ये सीन है, ये मेरा माइक यूज़ कर रहा है। अब मेरा मैक ओएस स्क्रीन, डेस्कटॉप ऑडियो, ऑडियो आउटपुट कैप्चर, ये कब सो होंगे, जब मैं ऑडियो मतलब डिस्प्ले पे कुछ बजाऊंगा। ओके, सो दोस्तों अब हमारे चारों मेथड कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, और मेरा थोड़ा पॉज हो गया था यार, मतलब जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह है, बट इट्स ओके, ठीक है। तो अब आपको लास्ट क्या करना है, ये फाइनल स्टेप है भाई, फाइनल स्टेप कुछ नहीं है ब्रो, गाने सुनने हैं, ठीक है, बट उससे पहले लास्ट स्टेप कर लेना, यहाँ पे आना आपको और सेटिंग पे यहाँ पे जाना है, सेटिंग ऊपर लिखना है जैसे आप सिस्टम सेटिंग्स पे जाते हो। उसके बाद यहाँ पे साउंड का ऑप्शन आएगा, साउंड पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे मेरी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपने मल्टी वाला जो क्रिएट किया था ना नया वाला, उस नाम से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो भी वहाँ पे आपने नाम डाला था, ठीक है। तो मैंने OBS ऑडियो डाला था, मैंने मतलब जो खुद का बनाया था एक, तो OBS ऑडियो और सेम चीज़ें की थी मैंने जो मैंने आपको दिखा दी वीडियो में, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्योंकि अगर आप मैकबुक का या स्पीकर करोगे तो स्पीकर से आवाज़ निकलेगी जो कि मेरे हेडफोन में नहीं सुनाई देगी और आपको भी नहीं सुनाई देगी, बट मेरे को मेरे हेडफोन में भी चाहिए आपको भी सुनाना है, तो उसके लिए मेरे को वही वाला जाना पड़ेगा मल्टी वाला। तो OBS स्टूडियो मैंने OBS ऑडियो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, सॉरी भाई यार क्या ही हो रहा है। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया उसके बाद मैं काटता हूँ, अब मैं सिंपली गाने सुनने मेरे को, तो यहाँ पे जाऊँगा सफारी पे, आ जाओ ए ए ए भाई, समझ रहे हो आवाज़ आ रही होगी आपको, ठीक है। तो ऐसे ही यार आपको करना है, ठीक है, जैसे मतलब रैप वगैरह पे कर रहे हो आप या किसी ट्रेलर पे कर रहे हो मूवी के, तो सिंपल आप ऐसे करके इसको पॉज कर सकते हो, अब बोल सकते हो उसके ऊपर कुछ बोल रहा हूँ आपको, आप फिर से तो यही था भाई, यही था, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, बहुत ज़्यादा ही क्योंकि रैम खा रहा है, तो यही है भाई, ठीक है। तो आई होप सो आपको कुछ सीखने को मिला हो यार, आपको पूरा पता चला होगा, क्योंकि भाई स्टेप बाय स्टेप बताया मैंने इस वीडियो में, ठीक है, बिल्कुल भी कहीं बीच में नहीं छोड़ा, क्योंकि काफ़ी लोग हैं यार बीच में छोड़ देते हैं,
मैं बिल्कुल नहीं चाहता यार वैसे, ठीक है। और आप विंडोज़ पे हो तो मेरे को प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन यार आप पे कोई दिक्कत आ रही है जो मेरा ये सेकंड वाला ऑप्शन है ऑडियो आउटपुट वाला कैप्चर पे, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर ही वीडियो बना दूंगा। मेरे पे एक विंडोज़ का लैपटॉप बहुत पुराना रखा हुआ है, मैं उसके ऊपर एक बार ट्राई कर लूँगा। मेरे पे नहीं है यार विंडोज़ के लैपटॉप, ठीक है, इसलिए मैं भाई ट्राई भी नहीं करता, बट मैं आपके लिए बिल्कुल ट्राई करूँगा अगर आप मेरे को नीचे कमेंट पर बताते हो। और बाकी सारी डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक्स वगैरह हैं वो सारी नीचे पे हैं। मैं ऐसी वीडियो क्रेजी वीडियो बनाता रहता हूँ यार, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, जो भी रिएक्शन करना चाहते हैं कुछ भी करना चाहते हैं मैं नहीं जानता, ठीक है। सो बस यार ओवरऑल इतना ही था इस वीडियो में, आई होप सो आपको पसंद आई हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।